फ्रेंड्स, मैं नूतन न्यू एरा मॉम नूतन के अनुभव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उड़द के दाल के दही भल्ले आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड और पनीर के दही भल्ले। चलिए किचन में चलते हैं ब्रेड और पनीर के दही भल्ले बनाने के लिए। हमने लिए है ये ब्रेड, जिसके कॉर्नर हमने निकाल दिए। ये कॉर्नर है उसका ब्राउन वाला, इसको भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। सुखा के मिक्सी में चला के ब्रेड क्रम्स बना ले। 15 काजू का मैं ये टुकड़ा की हूँ। ये 10 इलायची का पाउडर है। इसे जीरे मैंने भून के और पाउडर बना लिए। काली मिर्च की पाउडर है। इस किशमिश को हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। ये हमने चटनी पीसे हैं गार्निशेस के लिए। इसमें है 1/2 टमाटर, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, हरी मिर्ची, अदरक और नमक। दही भल्ले के लिए हमने दही फेंट ली है। इसमें काला नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के टेस्ट अकॉर्डिंग, और इसको हमने मिक्सी में फेंट लिया है। ये हमारी 200 ग्राम पनीर है। इसको हम आराम से हल्के हाथ से कद्दूकस कर लेंगे। ये सारे पनीर हमने कद्दूकस कर लिए हैं। लेंगे ये काजू, इलायची पाउडर, किशमिश, काली मिर्च का पाउडर, 1 पिंच सेंधा नमक, 1 पिंच काला नमक, 1 पिंच प्लेन नमक। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको हमने मिक्स कर लिए हैं। नमक हल्का सा कम रखना है, क्योंकि ब्रेड में भी नमक होती है और जो हमने चटनी पीसे हैं उसमें भी नमक है। पनीर का हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। जितना हमको बनाना है उतना हम छोटा छोटा बॉल बना के रख लेंगे। 1 कप हमने ये मिल्क लिए हैं। ये 1 स्लाइस ब्रेड का उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। हल्के हाथों से हम इसको एक्स्ट्रा मिल्क निकाल देंगे। एक्स्ट्रा मिल्क निकल गया, इसमें से 1 हम बॉल लेंगे, इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे से बॉल बना लेंगे। इस तरह से निचोड़ के इसमें भी एक्स्ट्रा मिल्क निकल जाएगी। ये देखिए, ये गोल बन गया अच्छे से। इसको हम हल्का सा फ्लैट कर देंगे ऐसे, ताकि हमको स्लो फ्राई करने में दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम सारे बॉल बना लें। इसमें रिफाइंड डाली है। आप जो भी तेल यूज करते हैं उससे में आप इसको स्लो फ्राई कर सकते हैं। ये ऑयल हमारी गर्म हो गई है। जितना आ पाएगा उतना हम डाल देंगे और आँच को हम स्लो एंड मीडियम पर रखें। 200 ग्राम वाली पनीर थी, उसमें से 17 पीस बन के ये पकौड़े तैयार हो गए। इनको हम पलट के, ज़्यादा लाल हमको नहीं करना है, ज़्यादा क्रिस्पी इस पकौड़े को हमको नहीं करना है। हल्का हल्का फ्राई करके निकाल देना। ये देखिए, ये वाली हो गई है। इसी तरह का हमको निकालना है। हम किचन टावल पे निकाल देंगे। इसी तरह का हमको फ्राई करके निकाल लेना है। ये बैच भी हमारी फ्राई हो रही है। ये देखिए, हमारे पकौड़े बन के तैयार हैं। इसको आप ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं। अभी मैं 2 पकौड़े का ही दही भल्ला बनाऊंगी। ये जो हम चीनी और नमक मिक्स फेंट करके रखे हुए हैं दही, इसको हम डालेंगे अच्छे से। ये नायलॉन की इमली की चटनी मार्केट में मिलती है, इसी को मैं ली हूँ। थोड़े से हम इसमें डाल देंगे इमली की चटनी। ये इमली की चटनी हमने डाली। डालेंगे थोड़े से टोमेटो सॉस। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ये चटनी जो हमने पीसे हैं। ये देखिए, चटनी डालेंगे। 1 पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे। थोड़ी सी सेव डाल देंगे। ये देखिए, मेरे दही भल्ले बन के तैयार है। आप लोग इसको बना के खा के कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इस होली में आप लोग जरूर से जरूर बनाइए इस रेसिपी को। देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, कितनी आसानी से कट जा रही है। ये देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी लग रही है। आप लोग खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग अपना प्यार देते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। बाकी के जो बचे हुए पकौड़े हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट है। देखिए, इसको हम स्टोर करके रख सकते। हम एक टिश्यू पेपर लगा के, एक टिश्यू पेपर ऊपर से डाल के एयर टाइट डब्बे में हम इसको बंद करके फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे। जब दिल करेगा, जब मेहमान आएंगे, तब हम इसको सर्व कर सकते। अगले वीडियो